बसमिल इन दिस वीक वी आर स्टडिंग अबाउट द अनैटमिकल टर्मिनोलॉजीज एंड इन अनाटमिकल टर्मिनोलॉजीज वी आर गोइंग टू बी स्टडी अबाउट द अनैटमिकल पोजिशन अनाटमिकल पोजिशन के बारे में हमने स्टडी किया और अब अनाटमिकल प्लेन्स इसी से रिलेटेड हम आज के लेक्चर के अंदर स्टडी करने वाले हैं प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अनैटमिकल पोजीशन के डिटेल पढ़ी थी कि अनाटमिकल पोजीशन क्या जिस है जैसे कि हमने बाय डेफिनेशन ये देखा था कि अनाटमिकल पोजीशन यहाँ पे जैसे कि ये ह्यूमन मॉडल दिखाया गया है इस पोजीशन को अनाटमिकल पोजीशन कहते हैं बाय डेफिनेशन हमने ये पढ़ा था इन दिस पोजिशन द बॉडी इज स्ट्रेट इन स्टैंडिंग पोजिशन विद आइज़ लुकिंग स्ट्रेट अपर लिम्स हैंगिंग बाय साइड क्लोज टू द बॉडी विद पाम्स ऑफ हैंड्स आर फेसिंग फॉरवर्ड एंड फिट्स आर टूगेदर विद टूस पॉइंटिंग फॉरवर्ड एंड लेग्स आर फुली एक्सटेंडेड एंड माउथ इज़ क्लॉस्ड ये तमाम हमने बाई डेफिनेशन पढ़ी थी एनेटमिकल पोजिशन क्या होती है इसके अलावा हमने स्पाइन पोजिशन के बारे में पढ़ा जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया स्पॉइंट पोजिशन और स्पॉइंट पोजिशन में हमने ये डेफिनेशन आपको बताई थी कि इन दिस पोजिशन द बॉडी इज़ लाइन डाउन विथ फेस पॉइंटिंग अपवर्ड फेस जो है पॉइंटिंग अपवर्ड होगा चेहरा ऊपर की जानब होगा आल द रिमेनिंग पोजिशन आर सिमिलर टू द अनैटमिकल पोजिशन बाकी ये तमाम पोजिशन जो है वो अनेटमिकल पोजिशन की तरह होगी ओनली द डिफरेंस इज डेट बॉडी इन द दॉरीजेंटल प्लान राइडर दैन वर्टिकल प्लान लेकिन एक डिफरेंस है कि बॉडी जो है वो हॉरीजेंटल प्लान के अंदर होगी ना कि वर्टिकल प्लान के अंदर जबकि अनैटमिकल पोजिशन में जो ह्यूमन बॉडी होती है वो वर्टिकल प्लेन में होती है स्पाइन में वो हॉरिजेंटल प्लेन में होती है बस यही डिफरेंस है और एक स्पाइन में और प्रॉन के अंदर क्या डिफरेंस है स्पाइन में जो चेहरा है वो अपवर्ड डायरेक्शन पे होता है फेस जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है लेकिन प्रॉन पोजिशन में जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है प्रॉन पोजिशन को आपका जो फेस है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा मीन्स आपका चेहरा नीचे के जानब होगा तो हम प्रॉन को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं दिस इज़ अ पोजिशन इन विच द बैक ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टेड अपवर्ड बैक जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन के ऊपर है एंड द बॉडी लाइज इन अ हॉरिजेंटल प्लान विथ फेस डायरेक्टेड डाउनवर्ड चेहरा नीचे की तरफ है ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी कर लिया था डिफरेंट जो पोजिशन हैं इनके बारे में फिर हमने अनाटमिकल स्टार्ट किया था अनाटमिकल प्लेन्स का बेसिक मैंने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट किया था जैसे कि सजिटल प्लेन्स होता है कॉर्नियल प्लेन्स एंड ट्रांसवर्स एंड हॉरिजेंटल प्लेन इन्हीं को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे वन बाय वन हम इसी को स्टडी करेंगे जैसे कि हमने कॉर्नियल प्लेन के अंदर स्टडी किया था कि डिवाइड द बॉडी इंटू फ्रंट एंड बैक सेक्शन आगे और पीछे करके अगर बॉडी को डिवाइड किया जाता है तो हम उसे कहेंगे कॉर्नियल प्लेन या फोरेंटल प्लेन एंड सर्जेटर प्लेन के अंदर डिवाइड द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट सर्जिटल प्लेन हम उस प्लेन को कह रहे हैं जब बॉडी को दाएं बाएं करके सेक्शन किया जाए दाएं बाएं करके डिवाइड किया जाए मीडियन अमूमन वहाँ इस्तेमाल होता है डिवाइड द बॉडी इंटू इक्वल लेफ्ट एंड राइट प्लेन अगर इक्वली लेफ्ट एंड राइट प्लेन के अंदर डिवाइड किया गया एक जितना पोर्शन राइट right है उतना ही पोर्शन लेफ्ट भी है तो इक्वली डिवाइड किया गया इसे हम कहेंगे मीडियन पोजिशन और इसके बाद क्या है हॉरीजेंटल या ट्रांसफर्स प्लान डिवाइड द बॉडी इंटू अपर एंड लोअर सीगमेंट्स अगर हर बॉडी को इस तरह डिवाइड किया गया अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन करके डिवाइड किया गया है तो हम इसे कहेंगे ट्रांसफर्स या हॉरिजेंटल प्लेन लेकिन इन्हीं की डिटेल अब आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाए इसकी डिटेल की तरफ जाएँगे वन बाई वन हम इन तमाम टर्म्स को डिटेल में स्टडी करते हैं सबसे पहले सर्जिटल प्लान देख लेते हैं कि सर्जिटल प्लान क्या चीज़ है फिर उसके बाद हम आगे की तरफ जाते हैं सर्जिटल प्लान के अंदर बॉडी को लेफ्ट एंड राइट डिवाइड किया जाता है लेफ्ट एंड राइट लेकिन बॉडी आपकी वर्टिकल डायरेक्शन में खड़ी होनी चाहिए मीन्स कि अमूदी खड़ी होनी चाहिए बॉडी का जो मॉडल है यहाँ पे दिखाया गया ह्यूमन बॉडी का मॉडल वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर वो बाई स्टैंड हो और डिवाइड करना है बॉडी को लेफ़्ट एंड राइट लेफ्ट एंड राइट हम उस सूरत में डिवाइड कर सकते हैं जब बॉडी को हम वर्ट वर्टिकली कट डाउन करें मीन्स कि इस तरह हम कट डाउन करें ठीक है अमूदी डायरेक्शन में हम उसे कट डाउन करते हैं तो हम उसे लेफ्ट एंड राइट डिवाइड कर सकते हैं लेफ्ट एंड राइट जब भी हम डिवाइड कर सकते हैं लाइक like ये राइट right हो गया या लेफ़्ट हो गया बॉडी का पार्ट तो अगर हम इस तरह डिवाइड कर रहे हैं बॉडी को वर्टिकल डायरेक्शन में तो इसको हम कहेंगे सर्जिटल प्लेन ठीक है जैसे बाय डेफिनेशन यहाँ देखिए यहाँ बताया गया है इट इट रनस वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड इट डिवाइड इट्स रन वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम इसका मतलब है कि ये वर्टिकली जा रहा है ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह कट डाउन हो रहा है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर अभी मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ मेंशन कर देती हूँ यहाँ पर देखें बॉडी को इस तरह ऊपर से नीचे की तरफ कट डाउन करना है इट टर्नस वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ डिवाइड किया जा रहा है वर्टिकली डिवाइड करना है इंटू किस तरह डिवाइड करना है एंड इट डिवाइड द बॉडी इंटू लेफ्ट एंड राइट पोर्शन अब जब आप इसे वर्टिकली इस तरह डिवाइड करोगे तो ये आप देखेंगे जब आप इसे ऊपर से, से नीचे की तरफ इस तरह डिवाइड करेंगे तो बॉडी राइट एंड लेफ्ट पोर्शन में डिवाइड हो जाएगी राइट एंड लेफ्ट पोर्शन में ठीक है ये राइट पोर्शन हो गया और ये लेफ्ट पोर्शन हो गया इसका अगर इस तरह आप बॉडी को डिवाइड कर रहे इस तरह डिवीजन कर रहे हैं आप बॉडी की लेफ़्ट राइट कर कर तो इसको हम कहते हैं सर्जिटल प्लेन सर्जिटल प्लेन अब सर्जिटल प्लेन को हम दो तरह से बयान करते हैं एक है पैरामीडियन और सेजिटल प्लेन पैराीड पैरा पैरा सेजिटल प्लेन भी कहा जाता है इसे एक है मेड सेजिटल प्लेन दो तरह का प्लेन में हम डिवाइड कर रहे होते हैं मेड सेजिटल प्लेन या मेडियन एंड सजिटल प्लेन या पैरा मीडियन भी हम इसे कहते हैं या पैरा सजिटल प्लेन भी हम इसे कहते हैं तो इसके कई नाम हैं तो सर्जिटल प्लान को हम दो तरह से डिवाइड हैं मीडियन या मिड सजिटल प्लेन सेकंड पैरा मीडियन और सजिटल प्लेन या फिर पैरा सजिटल प्लेन क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर अब हम वो जानते हैं सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीडियन एंड मिड सर्जिटल प्लान आपकी बॉडी के अंदर फर्स्ट जो अनाटमिकल टर्म्स फॉर डिस्क्राइबिंग प्लेस में फर्स्ट टर्म है मेट सर्जिटल प्लान मेट सर्जिटल प्लान इफ द सेजिटल प्लेन रन डायरेक्टली डाउन ठीक है क्या लिखा हुआ है कि इफ़ द सेजिटल प्लान रनस डायरेक्टली डाउन द मिड मिड लाइन ऑफ द बॉडी मिड लाइन मीन्स कि जहाँ पर बॉडी का मिड हो आपका बॉडी का मिड नॉस से होता है मीन्स कि आप ऊपर से जब नॉस की तरफ ले आ रहे हैं तो आप अपना फेस को देखेंगे अगर नोज है वो हमारे मिड के अंदर मौजूद होती है चेहरे के मिड के अंदर मौजूद दरमियान में मौजूद है तो क्या करना है इफ़ द सर्जिकल प्लेन रन डायरेक्टली डाउन द मिड ऑफ द बॉडी यहाँ पे येलो कलर से ये जो येलो कलर डायरेक्शन है और येलो लाइन है ये मिड सर्जिटल को जाहिर, जाहिर कर रही है इट कॉल इज मिड सर्जिटल प्लेन अगर वो ऊपर से नीचे की तरफ बिल्कुल मिड लाइन के अंदर डिवाइड किया गया बॉडी को तो इसका हम कहेंगे मिड सर्जिटल सर्जिटल प्लेन बाय डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो इफ़ द सर्जिटल प्लेन रन्स डायरेक्टली डाउन द मिडल मिड लाइन ऑफ द बॉडी इट्स कॉल्ड मिड सर्जिटल प्लेन और मीडियन प्लेन या फिर इसे हम मीडियन प्लेन कहेंगे ये येलो लाइन जो है आप देखोगे ये जो येलो लाइन यहाँ पर दिखाई गई है यहाँ से ये यह गुजर रही है येलो लाइन इसने बॉडी को इक्वली राइट एंड लेफ्ट पोर्शन में डिवाइड किया है तो हम ये भी कह सकते हैं मीडियन एंड मिड सर्जिटल प्लेन वो प्लेन है जिसके अंदर बॉडी इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स में डिवाइड होती है इक्वल लेफ्ट एंड राइट जितना पोर्शन राइट right में है उतना ही पोर्शन जो है वो लेफ्ट में भी बॉडी का होगा अगर हम नॉ से कट डाउन करना अपनी स्टार्ट करते हैं नाक वाले पोर्शन से कट डाउन तो ये हमारा मीडियम पोर्शन होगा या हम कह सकते हैं ये मिड सेजिटल प्लेन है हमारा तो हम बाय डेफिनेशन इस तरह भी कह सकते हैं दिस इज प्लेन विच डिवाइड द बॉडी इनटू इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स अब हम आ जाते हैं पैरा सर्जिटल प्लान के ऊपर पैरा सर्जिटल प्लान जैसा कि यहाँ बताया गया और रेड एरो से जाहिर किया गया और रेड लाइन यहाँ पर पैरा ये रेड लाइन यहाँ पे देखिए पैरा सर्जिटल प्लान को ज़ाहिर कर रही है तो सर्जिटल प्लान डेट आर इसे पैरा सर्जि सर्जिटल भी कहते हैं और सर्जिटल प्लान भी कहते हैं सिंपल या हम इसे पैरामीडियन भी कहते हैं तो सर्जिटल प्लान डेट आर अन ये अन ईवन है नॉट डाउन द मिड लाइन ये मिड से डिवाइड नहीं होता डिवाइड करता तो लेफ्ट राइट right में ही है पोर्शन को लेकिन ये इक्वली डिवाइड नहीं करता ये अन होता है अनइक्वली डिवाइड कर रहा होता है आर्टकाल पैरामीडियन क्योंकि देखिए ये नोज वाले पोर्शन बॉडी के मिड से डिवाइड नहीं कर रहा बल्कि ये साइड से डिवाइड करता हुआ जा रहा है थोड़ा सा लेफ्ट आई की तरफ से डिवाइड करता हुआ जा रहा है मीन्स कि ये मिड पोर्शन नहीं है बॉडी का बल्कि साइड से डिवाइड कर रहा, कर लेफ्ट एंड राइट पोर्शन में ही रहा है लेकिन अनईक्वली डिवाइड कर रहा है अगर अनइक्वली डिवाइड कर रहा है तो पैरा मीडियन सर्जिटल प्लान या पैरा सर्जिटल प्लान अगर इक्वली डिवाइड कर रहा है तो फिर मेड सर्जिटल प्लान या हम इसे मेडियन भी कह सकते हैं ये थोड़ा सा आप बाई डेफिनेशन डिफ्रेंसिस से याद कीजिएगा कि पैरा सजिटल या फिर सेजिटल एंड पैराीडियन क्या होता है और मीडियन एंड मेड सर्जिटल प्लान में क्या डिफरेंस है मेड सर्जिटल प्लान इक्वली डिवाइड करता है राइट एंड लेफ़्ट हाफ्स को बॉडी के जबकि पैरामीडियन एंड सेंट्रल प्लेन अन डिवाइड करता है बॉडी के राइट एंड लेफ्ट हाफ्स को अब हम आगे चलते हैं फोरेंटल और कॉर्नियल प्लेन की तरफ फोरेंटल और कॉर्नल प्लेन इसको हम फोरेंटल भी कहते हैं और कॉर्नियल भी कहते हैं अगर बॉडी को अभी तो हमने देखा है लेफ्ट एंड राइट वाला डिवाइड करने वाला पोर्शन जिसका हम सर्जिटल प्लेन कहेंगे लेकिन अगर बॉडी को आगे और पीछे इस तरह अगर बॉडी खड़ी हुई है और हम उसका फ्रंट वाला पोर्शन एंड बैक वाला पोर्शन करके डिवाइड कर रहे हैं बॉडी को तो फिर उसको हम फॉरेंटल प्लेन कहेंगे या कॉर्नियल प्लेन कहेंगे जैसे कि देखें यहाँ पे पहले एंथीरियर पोल या फ्रंट एंड थीरियर मींस फ्रंट होता है तो बॉडी के फ्रंट को जाहिर कर रहा है ये क्या है बाई डेफिनेशन अ प्लेन डेट रंस वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम वर्टिकली देखें देखे मोदी डायरेक्शन में कट डाउन किया गया वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ एंड इट डिवाइड द बॉडी इन टू फ्रंट साइड ऑफ एंड अ बैक साइड ये क्या डिवाइड कर रहा है बॉडी को फ्रंट साइड मीन्स के आगे की तरफ एंड बैक साइड के पीछे की तरफ बॉडी को इसी को हम फॉरेंटल और कॉर्नियल प्लेन कहते हैं द फॉरेंटल प्लेन द फोरेंटल प्लेन और कॉर्नियल प्लेन विल बिलेट्री लिवस यू विद द फ्रंट एंड बैक पोर्शन तो हम इसे फ्रंट या बैक पोर्शन भी कह सकते हैं अगर जब हम इसे डिवाइड कर देते हैं बॉडी को इस प्लेन के जरिए तो बॉडी डिवाइड हो जाती है फ्रंट वाले पोर्शन में और बैक वाले पोर्शन में मीन के एंथीरा एंड पोस्टीरियर पोस्टीरियर का मतलब बैक होता है और एंथी का मतलब फ्रंट होता है एनाटमिकली ट्रम्स हैं ये दोनों भी इसकी इसकी डिटेल भी हम आगे पढ़ेंगे लेकिन आज के लिए आज जो है आपको ये समझना है फ्रंटल एंड कॉर्नियल प्लेन्स में होता है, क्या है बॉडी को फ्रंट एंड बैक करके डिवाइड किया जाता है या हम ये कह सकते हैं हम ये भी कह सकते हैं फ्रंटल प्लेन क्या है कॉर्नियल प्लेन क्या है इट इज़ अ वर्टिकल प्लेन एट राइट एंगल ऑफ द मीडियन प्लेन ठीक है इट डिवाइड द बॉडी इनटू टू एंड पोस्टीरियर पोजिशन या हम ये कह सकते हैं इट डिवाइड द बॉडी इनटू फ्रंट एंड बैक इफ यू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम वन ईयर टू एन ठीक है अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो फ्राम वन ईयर टू एंड अदर मीन्स कि अगर आप हेड के मिड से काटना शुरू करते हैं एयर के पोर्शन से देन दॉडी देन द बॉडी डिवाइड अलॉन्ग विद द लाइन एंड प्लान फॉर्म विद द फॉरेंटल प्लान तो क्योंकि वो लेफ्ट राइट right करके डिवाइड होगी हम ये कह सकते हैं सॉरी फ्रंट एंड बैक करके डिवाइड होगी ठीक है बैक डायरेक्शन में एंड फ्रंट डायरेक्शन में डिवाइड हो जाएगा बॉडी तो उसी को हम फॉरेंटल प्लेन कहेंगे आगे है ट्रांसफर्स और हॉरिजेंटल प्लान ट्रांसफर्स एंड हॉरीजेंटल प्लान हॉरीजेंटल आप वर्ड से ही जाहिर है देखिए यहाँ पर हॉरीजेंटल प्लान के बारे में मैंने बताया था वो इस डायरेक्शन में होता है उसकी डायरेक्शन के अंदर होता है या हम कह सकते हैं तो हम ट्रांसवर्स को या हॉरिजेंटल प्लान को किस तरह डिवाइड करेंगे या डिफाइन करेंगे दिस इज़ द हॉर्जेंटल प्लान एंड इट्स डिवाइड द बॉडी इन टू टॉप एंड बॉटम सुपीरियर एंड इन्फीरियर मीन्स के ऊपर वाले पोर्शन एंड लोअर वाले पोर्शन में करके डिवाइड होती है देखिए बॉडी को किस तरह कट डाउन किया हुआ है इन्होंने इन्होंने बॉडी को दरमियान से किया हुआ है आप ये कह सकते हैं इस इन्होंने बॉडी को दरमियान से कट डाउन किया है यहाँ से दरमियान से कट डाउन किया है तो ये बॉडी को ऊपर वाले और नीचे वाले पोर्शन में डिवाइड करता है तो ट्रांसफर हॉरिजेंटल प्लान को हम कह सकते हैं क्रॉस सेक्शनल प्लान एंड इट इज़ द हॉरिजेंटल प्लान ऑफ द बॉडी इट इज़ अ प्रिपेंडिकुलर टू बोथ फॉरेंटल एंड मिडिल प्लेन इट डिवाइड द बॉडी इन टू अपर एंड लोअर सेक्शन ठीक है तो ये अपर एंड लोअर सेक्शन के अंदर बॉडी को डिवाइड करता है ठीक है अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है द परफेक्ट ट्रांस मीन्स अक्रॉस वर्ड का थोड़ा मतलब बताया गया है एंड आल्सो कॉल हॉरीजेंटल प्लेन क्योंकि हॉरीजेंटल प्लेन के अंदर ही डिवाइड किया गया है इसलिए इसे हॉरीजेंटल प्लेन भी कहा गया है ट्रांसफ ट्रांसफर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्रॉस इसका मतलब होता है मीन्स क्रॉस सेक्शनली कट डाउन हो रहा होता है इसलिए लेकिन बॉडी क्या बॉडी अपर एंड लोअर पोर्शन में डिवाइड होती है अपर या टॉप और बॉटम भी कह सकते हैं हम इसे अपर एंड लोअर भी कह सकते हैं बॉडी दो पोर्शन में डिवाइड हो जाती है अपना एंड लोअर सुपीरियर इन्फीरियर भी कहा जाता है सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर वाला पोर्शन और इन्फीरियर का यहाँ पे बॉटम यानी कि लोअर पोर्शन की बात की गई है तो यह है ट्रांसवर्स एंड हॉरिजेंटल प्लान इसके बाद हम ऑब्लिक प्लान के बारे में पढ़ते हैं कि ऑब्लिक प्लान क्या चीज़ है ऑब्लिक प्लान जैसा कि यहाँ दिखाए गए हैं डिफरेंट डायरेक्शन में कट डाउन किया गया है अ प्लेन डेट इज एनी टाइप ऑफ एंगल अदर देन द दॉरिजेंटल एंड वर्टिकल हमने पहला वाला जो प्लान पढ़ा है सर्जिटल प्लान उसमें वर्टिकली डिवाइड किया गया था अमूदी और अमूदी डायरेक्शन में डिवाइड किया गया था बिल्कुल सीधा जबकि फॉरेंटल एंड प्लान प्लान फिर हमने पढ़ा उसमें भी हमने ये पढ़ा कि ये भी वर्टिकली डिवाइड किया जाता है हॉरीजेंटली प्लान हमने पढ़ा उसमें था कि ये हॉरीजेंटली डिवाइड किया जाता है लेकिन ओब्लिक ऐसा प्लान है जिसमें ना तो हॉरीजेंटली डिवाइड किया जाएगा ना ही वर्टिकली डिवाइड किया जाएगा बल्कि एनी टाइप ऑफ एंगल बनेगा कोई भी एंगल बन सकता है उसे हम कहेंगे ऑब्लिक प्लेन एनी plane अदर देन मीडियन पैरामीडियन फोरेंटल एंड हॉरिजेंटल plane इस कार्ड ओब्लिक plane. इसलिए कहा गया है ना तो ये मीडियन वाला प्लान रखता है ना पैरा वाला प्लान रखता है ना ही फोरेंटल वाला और ना ही हॉरीजेंटल वाला बल्कि अगर इनमें से कोई भी प्लेन से आप कट डाउन नहीं कर रहे इसके अलावा कोई और डायरेक्शन में कट डाउन किया जा रहा है तो हम उसे ओब्लिक प्लान कहते हैं ओब्लिक मीन्स डेट समथिंग इज़ नॉट पैरल ऑन आर राइट एंगल कोई भी ऐसी चीज़ जो कि राइट एंगल के पैरल right नहीं होती एन इजी वे टू रिमेंबर दिस टू रिमेंबर ऑब्लिक आर ऑड एंगल ऑड एंगल भी कहा जाता है जैसे यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ डायरेक्शन में कट डाउन किया यहाँ है यहाँ से भी कट डाउन कर सकते हैं यहाँ से भी कट डाउन कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर ये कोई कैद नहीं है कि आप वर्टिकली करोगे या हॉरीजेंटली करोगे ऐसा नहीं होता बल्कि कहीं से भी आप कट डाउन कर सकते हैं कोई भी एंगल बना सकते हैं वर्टिकली और हॉरीजेंटली के अलावा तो ऑब्लिक प्लान ऐसा प्लेन है जो हॉरीजेंटली एंड वर्टिकली के अलावा एंगल बना रहा है या हम कह सकते हैं मीडियन पैरामीडियम फोरेंटल एंड हॉरिजेंटल प्लान के अलावा अगर कोई प्लान बनाता है कोई एंगल में वो कट डाउन की जाती है ह्यूमन बॉडी या कोई भी बॉडी तो हम उसे कहेंगे ऑब्लिक प्लान ये ऑब्लिक प्लान के अंदर कट डाउन की गई है देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं और इसको समझा देती हूँ ये कलर्स में थोड़ा सा क्रॉस सेक्शनल भी दिखाया गया है हॉरिजेंटली भी दिखाया गया है अब ये मैं आपको और डिटेल में बताती हूँ इन प्लान्स के बारे में यहाँ पे देखें कॉर्नियल प्लान और फ्रंटल प्लेन को ब्लू कलर से दिखाया गया तो ब्लू जो डायरेक्शन है उस जो ब्लू यहाँ पे शेड दिखाया गया है वो कॉर्नियल प्लान को ज़ाहिर कर रहा है इट्स मीन कि जैसे कि आपकी बुक में बताया गया वन ईयर से लेकर यानी कि कॉर्नियल प्लान के अंदर हमने पढ़ा था कि वन ईयर टू एन अदर फ्राम अबव हेड यानी कि एक कान से लेकर दूसरे कान तक अगर कट डाउन किया जा रहा है तो यहाँ से लेकर अगर इस तरह करके कट डाउन किया गया ये देखिए ये ब्लू कलर वाला जो है ये कॉर्नियल को ज़ाहिर कर रहा है इससे जो सेक्शंस बनेंगे वो हम बॉडी को हम कह सकते हैं बॉडी को इस तरह डिवाइड करते हैं जो कि बॉडी को फ्रंट एंड बैक करके डिवाइड कर देते हैं ठीक है बॉडी डिवाइड इन टू थ्री एंड पॉजिटिड पोजिशन क्योंकि इस तरह कट डाउन किया गया है आगे पीछे वाला पोर्शन डिवाइड हो जाता है यहाँ पे भी देखिए दिखाया गया है फॉरेंटल प्लान फिर इसके बाद आप देखेंगे जैसे कि लिखा हुआ है कि हॉरीजेंटल और ट्रांसफर्स प्लान ये ग्रीन कलर से दिखाया गया अगर बॉडी को दरमियान से कट कर डाउन करें इस तरह हॉरीजेंटल डायरेक्शन में कि बॉडी ऊपर वाले पोर्शन और नीचे वाले पोर्शन में डिवाइड हो जाए हॉरीजेंटली तो हम इसको कहेंगे या तो हॉरिजेंटल प्लान या फिर ट्रांसवर्स प्लेन ये देखें यहाँ से कट डाउन ग्रीन कलर से जो दिखाया गया फिर है सेजिटल और लॉजिटल प्लान यहाँ पर मीन्स कि अगर बिल्कुल मिड से है कट डाउन किया गया है वो भी वर्टिकली बिल्कुल मिड से मीडियन प्लान बना रहा है पैरा सर्जिटल मीन्स कि डिवाइड किया गया है वर्टिकली लेकिन वो बिल्कुल मिड से नहीं किया गया ये देखें येलो कलर जो है साइड से किया गया है कहीं साइड से किया गया है कि अनईक्वली लेफ्ट एंड राइट हाफ बनते हैं अनइक्वली तो इसको हम कहेंगे पैरा यहाँ पे इस इसमें आपको जो लेक्चर अभी हमने पढ़ा है जो भी हमने लेक्चर के अंदर पढ़ा है उसको की वर्ड्स के अंदर मैंने बताया ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और आप इजीली हम सी की पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे सॉल्व कर सको तो ये देखिए सर्जिटल प्लेन सबसे पहले सर्जिटल प्लेन के बारे में डिवाइड द बॉडी इंटू राइट एंड लेफ्ट मीन्स के दाए बाएं करके डिवाइड होती है बॉडी इसमें इसकी दो टाइप्स हैं मेड सर्जिटल मीन्स इक्वल प्लेन्स राइट एंड लेफ्ट जो पार्ट्स हैं वो इक्वली कट डाउन होंगे एंड पैरा सर्जिटल मीन्स अन एकक्वली हाफ्स बनेंगे अनईक्वली डिवाइड होती है बॉडी लाइट एंड राइट एंड लेफ्ट के अंदर जबकि कॉर्नीयल प्न और फॉरेंटल प्लेन डिवाइड द बॉडी इंटू एंड एंड पोस्टीरियर मीन्स के फ्रंट एंड बैक आगे एंड पीछे आगे एंड पीछे करके डिवाइड होगा उसको हम कहेंगे कॉर्नियल प्लेन फिर उसके बाद आगे ट्रांसवर्स प्लेन के बारे में पढ़ते हैं कि ट्रांसवर्स प्लेन क्या चीज़ है ट्रांसवर्स प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू सुपीरियर जिसे हम अपर भी कहते हैं एंड इन्फीरियर जिसे हम लोअर भी कहते हैं पोर्शन में ऊपर वाले पोर्शन लोअर वाले पोर्शन में अगर बॉडी कट डाउन हो तो उसे हम ट्रांसवर्स प्लेन कहते हैं इस तरह करके अगर बॉडी कट डाउन होगी तो उसे हम ट्रांसवर्स प्लेन करेंगे ऑब्लिक प्लेन क्या चीज़ है पासिस दासिस थ्रू द बॉडी ऑर्गन एट एन एंगल किसी भी एंगल इसके अलावा के ना हॉरीजेंटली ना वर्टिकली हो बल्कि इसके अलावा कोई भी ऑर्गन बनाए और कोई भी ऑर्गनिया या बॉडी कोई भी डिफरेंट एंगल से कट डाउन की जा रही है जो ना के, ना कि मीडियम है ना पैरामीडियम ना फ्रंट ना हॉरिजेंटल तो एक एन अदर प्लेन जो बनता है उसको हम ऑब्लिक प्लेन कहेंगे ये देखिए टू वर्टिकल अगर हम कहें कितने वर्टिकल प्लेन्स हैं मतलब अमूजी डायरेक्शन में कितने काटे गए उसकी डायरेक्शन में कितने प्लेन्स बन रहे हैं तो आप देखेंगे टू तो वर्टिकल्स प्लेन होते हैं ठीक है सर्जिटल प्लेन जो बॉडी को राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करता है एंड फोरेंटल प्लेन ये भी वर्टिकली ही होता है जो बॉडी को फ्रंट एंड बैक में डिवाइड करता है वन हॉरिजेंटल प्लेन होता है जो कि उफ की डायरेक्शन में कट डाउन होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स या फिर हॉरीजेंटल पेन वन ऑड एंगल प्लान होता है जिसका कोई कोई ख़ास प्लान नहीं है ना तो वो फोरेंटल में आ रहा है ना ही वो जो है ट्रांसवर्स में आ रहा है ना ही पैरामीडियन मीडियन में तो हम कह सकते हैं ना तो वो हॉरीजेंटली कट डाउन हो रहा है ना ही वर्टिकली तो वो ऑड एंगल प्लान बना रहा है इसको हम कहते हैं ऑब्लिक प्लान ठीक है कहीं किसी भी डायरेक्शन से कट डाउन हो सकता है इसको हम कहेंगे ऑब्लिक प्लान तो ये डिफ़रेंट प्लेन्स थे जो हमने आज स्टडी किए और डिफरेंट तरीक़ों से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आप इनको डायग्राम्स को देखते हुए समझिएगा आपकी बुक में भी डायग्राम मौजूद है साथ के साथ अनाटमिकली टर्म्स एंड पोजिशन्स वाले चैप्टर के अंदर या याटमिक टर्मिनोलॉजीज़ के नाम से मौजूद है चैप्टर टू उसके अंदर पेज नंबर सेवन पर डायग्राम मौजूद है पेज नंबर सिक्स पर भी मौजूद है जिसके अंदर मुख्तलिफ ट्रम्स इस्तेमाल की गई हैं तो पेज नंबर सिक्स पर डायग्राम मौजूद है जिसके अंदर कॉर्नियल प्लान मेड सर्जिटल प्लान ट्रांसफर्स प्लान ऑब्लिक प्लान के बारे में बताया गया है वहीं पे इसकी डेफिनेशनस भी हैं आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं डायग्राम लेकिन यहाँ पे ज़्यादा क्लियर है और ज़्यादा क्लियरली चीज़ें समझ में आ रही हैं तो बेहतर ये होगा कि आप यहाँ से समझिए और अपने लेक्चर नोटबुक पे आज की डेट डालकर इसको राइट डाउन कीजिए आपको पता होना चाहिए मीडियन का जब वर्ड आता है तो इसका क्या मतलब होता है कि इक्वली राइट एंड लेफ्ट पोर्शन में बॉडी डिवाइड की जाती है तो उसे हम मीडियम कहते हैं या मिड सर्जिटल प्लान कहते हैं आपको पता होना चाहिए एम सी क्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पैरा मीडियम क्या चीज़ है और उसको अगर हम डिफाइन करें तो किस तरह करेंगे इट इज़ एनी प्लान पैरल टू द मीडियन प्लान दिस प्लान डिवाइड द बॉडी इंटू अन इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स मीडियन जिसमें हम इक्वली ठीक है मीडियन जिसमें हम इक्वली राइट एंड लेफ्ट हाफ़ में डिवाइड कर रहे हैं बॉडी को जबकि पैरा मीडियन जिसमें हम अन एकवली बराबर नहीं होता उस उसका पोर्शन राइट एंड लेफ्ट हाफ बराबर नहीं होते पैरामीडियन के अंदर लेकिन मीडियन में जो हमारा दाएं और बाएं वाला बॉडी का पोर्शन होता है वो इस तरह बॉडी को कट डाउन किया गया जाता है कि दाएं एंड बाएं वाला पोर्शन बराबर रहता है जबकि फ्रंटल प्लेन और कॉर्नियल प्लेन में बॉडी इस तरह डिवाइड की जाती है कि बॉडी फ्रंट एंड बैक में हो जाती है डिवाइड आगे वाला पोर्शन एंड पीछे वाला पोशन में डिवाइड कर दी जाती है उसे हम कहेंगे फ्रंटल कॉर्नियल प्लेन प्लें हॉरीजेंटल एंड ट्रांसफर्स में बॉडी इस तरह कट डाउन की जाती है हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अंदर कि ऊपर वाला बॉडी का हिस्सा और नीचे वाला हिस्से के अंदर सेक्शंस बनते हैं हम कह सकते हैं सुपीरियर एंड इन्फीरियर पोर्शन बनता है अपर एंड लोअर सेक्शन बनता है हॉरिजेंटल एंड ट्रांसवर्स प्लेन में ओब्लिक प्लेन में कोई भी एंगल बन सकता है ना तो वो वर्टिकल होता है ना ही हॉरिजेंटल होता है एंड अदर प्लेन बन जाता है उसको हम ऑब्लिक प्लेन कहेंगे ये तमाम अनाटमिकल टर्म्स थी जो कि डिस्क्राइब करती हैं प्लेन्स को ठीक है okay? उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि आप इसको राइट डाउन करोगे समझोगे सुनोगे सुनने के बाद ध्यान लगा सुनोगे आपको डेफिनेशंस भी याद हो जाएंगी साथ के साथ आप राइट डाउन भी कर लीजिएगा राइट डाउन आप बुक से भी देख के कर सकते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं जहाँ से आपको ईजी लगे लेकिन समझिएगा ज़रूर एम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है जब आप समझेंगे तो इनशाला आपको समझ में आएगा अपना ख्याल रखिए अपनी फैमिली का ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज